हेलो ब्रदर, स्वागत है आप सभी का दसविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से राजस्थान में ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है। इससे पहले कई सारे वीडियोस के अंदर हमने आपको इसकी जानकारी दी है, आप सभी ने इसके फॉर्म फिलअप भी कर दिए होंगे। ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर जो एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं वो सभी एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट एलिजिबल हैं, चाहे वो आईटीआई वाले हों चाहे बीटेक वाले हों, सभी को एक्सपीरियंस चाहिए था इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, मतलब वो एस्पिरेंट जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वर्किंग है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो सभी एस्पिरेंट इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, वैकेंसी बहुत शानदार है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, जो एग्जाम डेट है वो भी आउट हो चुकी है, एग्जाम इसका आपका 23 जून को है। तो यहां से आपके पास जो ये 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, इन 5 से 6 महीने में अपने जॉब के साथ जॉब को करते हुए किस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप उसको फॉलो करें और आप इस जॉब को क्लियर कर पाए अपने करते। ठीक है, तो सब चीजों पर अपन बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन लगा हुआ है, आप सबने इसके बारे में डिटेल देख रखा है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, आपने फॉर्म भर रखा है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस जनरल इंजीनियरिंग इसके अंदर आ रही है। जनरल इंजीनियरिंग जहां पर भी जिस भी सिलेबस में आती है थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी इसके आउट हो चुके हैं। ठीक है, जो इसके अंदर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो लगभग 6300 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। मतलब एक्सपीरियंस भी कम है, वैकेंसी लगभग 68 पोस्ट है। जिस प्रकार की वैकेंसी है, 68 भी ठीक ठाक वैकेंसी है, इस लेवल की वैकेंसी इतनी ही आती है। ठीक है, ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ज्यादा संख्या में आएंगी, तो लगभग 68 वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज भी ठीक है। और 6300 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, तो ये कह सकते हैं आप कि फॉर्म भी कम भरेंगे, कंपटीशन यहाँ पास कम रहने वाला है। ठीक है, और सभी के सभी जॉब वाले एस्पिरेंट हैं, तो आप जॉब के साथ रहते रहते कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज आपकी तैयारी का सोल्यूशन मिल जाएगा, एक रोड मैप मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा जिसमें चल करके आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जॉब के साथ तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पास है अपना समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। कैसे करिएगा टाइम मैनेजमेंट, देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया तकनीकी है, आप जब इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं, सुबह उठिए, एक डायरी रखिए अपने पास, उस डायरी में अपने पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए। ठीक है, कि भाई आपको कितने बजे क्या करना है, कितना आवर्स आपका वर्किंग टाइम है, उस वर्किंग टाइम के बाद आप कितना समय बचा पा रहे हैं, इस प्रकार से अपने टाइम को पहले मैनेज कीजिए। ठीक है, आपकी जब तक ये दिनचर्या सुव्यवस्थित नहीं होगी, आप इस एग्जाम में अपना समय नहीं दे पाएंगे, और जब आप इसमें समय नहीं दे पाएंगे, एग्जाम कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उठिए, एक डायरी बनाइए, उस डायरी के अंदर अपनी पूरी दिनचर्या को प्लान कीजिए कि आप इतने बजे ये करने वाले हैं, आपका जो वर्किंग टाइम है, आपका जो जॉब का समय है, ठीक है, वो इतने बजे से इतने बजे तक है, इसके बाद आप इतने बजे फ्री होते हैं, तो इतने बजे आप समय निकाल करके अपने फैमिली को टाइम दे करके इतने बजे आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तब आप जाकर के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं या इतने बजे आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप पहले अपना समय प्रबंधन कीजिए, अगर आपको जॉब के साथ अपनी तैयारी को प्रॉपर वे के अंदर करना है। तो पहला पॉइंट क्या नोट करना है आपको, कि आपको सुबह से उठ करके अपनी एक डायरी बनानी है और अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना है, एक पूरा एक प्लान करना है कि मेरे को दिन में कितने बजे क्या करना है, क्या मेरा वर्किंग टाइम है और कितना समय मैं निकाल सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक डायरी जरूर आज से बना लीजिए कि जितने भी जॉब वाले एस्पिरेंट हैं प्रॉपर टाइम को मैनेज कीजिए। दूसरा क्या है, प्रायोरिटी सेटिंग। ठीक है, प्राथमिकता निर्धारण कीजिए। प्राथमिकता का मतलब क्या है, प्राथमिकता का मतलब एक जैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर इसका सिलेबस देख रखा होगा, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा चीज बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने इसका सिलेबस देख रखा होगा, सिलेबस के अंदर टोटल 5 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कितने पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट दिए गए हैं। अब 5 पॉइंट में से जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका जनरल है, जनरल का मतलब इसमें अंदर इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है, थोड़ा सा आईटीआई के रिलेटेड एक्ट वगैरह है, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैकेनिक्स वाला पोर्शन है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तीसरा वाला जो पॉइंट है ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का है। चौथा वाला पॉइंट जो है ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। और जो पांचवा वाला पॉइंट है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर वाला पोर्शन। ये टोटल 5 पॉइंट है। आप इन्हीं में से किसी न किसी ब्रांच से बिलोंग करते होंगे, या तो इलेक्ट्रिकल से होंगे, सिविल से होंगे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से होंगे। इसमें से जो भी आपकी ब्रांच है, जैसे आप जब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो भी आपकी ब्रांच है, मान लीजिए, मान लेता हूँ मैं एक मिनट सिविल है। ठीक है, एक मिनट को मान लेता हूँ आपकी ब्रांच क्या है, सिविल है। अगर टोटल मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो 150 क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं।
150 क्वेश्चन यहाँ से पूरे में से पूछे जाने हैं, मतलब अगर अप्रोक्स सभी का वेटेज इक्वल रहा तो हर एक सेगमेंट से लगभग लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप सिविल से हैं तो आपके लगभग 30 क्वेश्चन आपकी ब्रांच से होने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें, जो सबसे पहला वाला पोर्सन जैसे सिविल वाला पोर्सन है, ये आपने ऑलरेडी अपने बीटेक डिप्लोमा में या आईटीआई में जहां भी आप पढ़ा रहे होंगे पढ़ रहे होंगे पढ़ा होगा आपने इनके बारे में, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि आपकी ब्रांच है, तो आपको इसको कवर करना बहुत आसान है। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें पहले इसके फटाफट आप नोट से पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोचिंग से लेकर कर रहे हैं, इसका स्टडी मटेरियल लेकर के इसको फटाफट फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आपकी आपका ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जहां पर आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं। यहां पर अगर 30 क्वेश्चन आपके सिविल से आने वाले हैं तो 30 के 30 या 28 29 तो आप 100% लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल उतना नहीं रहता जितना, क्योंकि दूसरी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, तो आप एटलीस्ट अपनी ब्रांच का 100% क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले अपनी ब्रांच को बहुत अच्छे से फिनिश करना है। इसके बाद आपकी ब्रांच से मिलते जुलते कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर सिविल की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी, जो कॉमन होता है, ठीक है, तो आप इसको पहले पढ़ सकते हैं। मतलब जो आपने पहले पढ़ रखा है जिसमें आपको समय कम देना पड़ेगा वो फटाफट फिनिश हो जाएगा, उनको आप फिनिश कर दीजिए और उसको ले आइए रिवीजन मोड के अंदर, ठीक है, ताकि आप जैसे यहां से 30 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो गया चलो 30 क्वेश्चन में से 28 तो मैं यहां बना लूंगा, इसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आता है जो पहला पोर्शन वाला पोर्शन है, के अंदर आपका कौन सा है, अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन है और ईडी वाला पोर्शन है, ठीक है, ईडी वाला पोर्शन ये सबने पढ़ रखा है अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, सबने पढ़ रखा है, इसको पढ़िए ताकि यहां से भी आपका, चूंकि यहां से भी लगभग दोनों मिलाकर 10-15-20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन दोनों मिलाकर अप्लाइड और ईडी से आएंगे, ये आपको मतलब आपकी ब्रांच से और 20 अगर यहां से आ गए टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है, 150 में से 50 क्वेश्चन का काम तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पोर्शन कॉमन हो सकता है आपका मैकेनिकल के अंदर, मान लीजिए नहीं भी है फिर आप दूसरी ब्रांच पढ़िए। यहां पर अगर मैं कट ऑफ को थोड़ा सा आइडिया दूं, अगर आप 50-60% स्कोर करते हैं ना, 60% भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, 60% लगभग इसकी कट ऑफ रहने वाली है, इतना ही जनरली जनरल इंजीनियरिंग के अंदर जाती है। तो आप, मैं कहने का मतलब है कि जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें पहले आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता किसको देनी है, पहले किसको पढ़ना है, तो पहले हमको वो सब्जेक्ट जो हमसे आता है ताकि वो फटाफट फिनिश हो जाए, उसको और ज्यादा रिविजन कर ले ताकि हम उसमें 100% तक स्कोर कर पाए। आप दूसरी ब्रांच में कितना भी पढ़ लीजिए 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, अपनी ब्रांच में कर पाए, लेकिन दूसरे ब्रांच को पढ़ते रह गए अपने में उतना फोकस नहीं कर पाए, तो हो सकता है अपने में भी 100% ना कर पाए, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी सेट कीजिए, प्राथमिकता को सेट कीजिए कि आपको पहले कौन सा पढ़ना है, तो सबसे पहले अपनी ब्रांच, फिर जो कॉमन है इसके बाद अपने को दूसरी ब्रांच पे जाना है, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, सारांश और संक्षिप्त टिप्पणी, समरी एंड शॉर्ट नोट्स। देखिए जैसे मान लीजिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा समरी आपको बनाना। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने लेट सपोज ब्रिक वाला टॉपिक पढ़ा आज सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, अब ब्रिक वाला एक ठीक ठाक टॉपिक है, 1-1.5 घंटे-2 घंटे का टॉपिक है, आज फिनिश किया है। अब क्या करना है आपको, आपने जो भी पढ़ा है इसकी एक समरी तैयार कीजिए, समरी का मतलब है एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, ठीक है, कि आपने क्या क्या पढ़ा उसको एक एक पेपर के अंदर बना के रख लीजिए, ठीक है। अब आप जा रहे हैं अपने पेपर के अंदर, अब वो पेपर जो जेब के अंदर रखा हुआ है, आपको मान लीजिए अपनी जॉब में वर्किंग टाइम पे 10-15 मिनट-1.5 घंटे का रेस्ट मिला, आपने पेपर उठाया और एक बार सरसरी निगाहों से इसको देख लिया, ठीक है, एक बार ऐसे आते समय और देख लिया, मतलब दिन में आपने जो सुबह पढ़ा था इसको ऐसे शॉर्ट नोट से समरी के फॉर्म पे बना के रख लिया था, जेब में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म पे बना के रख लिया जी, कागज ना भी रखा उसकी फोटो खींच के रख ली मोबाइल के अंदर, ठीक है, इसकी फोटो खींच के आपने मोबाइल के अंदर रख ली और इसको आपने अपने वर्किंग टाइम के अंदर एक बार देख लिया, ठीक है, एक बार देख लिया। तो ऐसा अगर 2-3 बार आपने देख लिया तो जो आपने पढ़ा वो 2-3 बार दिन में रिवाइज हो गया, रिवाइज हो गया मतलब वो दिमाग में आपके अंदर बैठ गया है, ठीक है। तो ये चीजें करनी, जब भी आप कुछ भी चीजें पढ़ें उसका शॉर्ट नोट्स या समरी के फॉर्म पे जरूर बनाइए, ये आपको रिविजन में हेल्प करेगा। और इसका एक और बड़ा बेनिफिट है कि आप जॉब के अंदर है तो इसको आप मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, पीडीएफ बना रख सकते हैं, फोटो खींच के रख सकते हैं, और जब आप जॉब के अंदर हो तो आप ऐसे व्हाट्सअप खोल के खिसकाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हैं, उसकी जगह क्या करना है आपको ये पीपीटी एक बार देख लेनी, तो दिमाग में बार बार वो चीजें चलती रहेंगी, हम जितनी बार उस चीज को देखेंगे, आप जितनी बार उस चीज को देखोगे उतना आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा। तो ये अच्छा आइडिया है आपके चीजों को रिवाइज करने का, आपको एक्स्ट्रा टाइम फिर रिविजन के लिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप उसी टाइम पे जब आप मोबाइल चला रहे हो तब आप उस टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप तीसरा पॉइंट याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके कंटेंट को कवर करने में और आपके कंटेंट को याद रखवाने में, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप दिमाग में लंबे समय तक बिठाए रखने में। चौथा क्या है, ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करो। अब देखो आप ये चीजें पढ़ तो लेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, बहुत सारा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है जैसे आप मान लीजिए सिविल से हैं, आपको इलेक्ट्रिकल कंटेंट चाहिए, आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल की किस चीज कितनी डेप्थ तक आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाई आप अपने फील्ड का तो जान सकते हो, मैं सिविल कहूँ मुझे पता है कि सिविल में ये चीज यहीं तक पढ़नी है, मुझे पता है कि इस लेवल में पेपर आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं पता, मैकेनिकल का नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं पता, कंप्यूटर का नहीं पता, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
आपको कहीं ना कहीं पे कोई अच्छा सा कोर्स ले लेना चाहिए। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आरपीएससी ग्रुप स्टार्टर की आप जानते हैं द सिविल पॉइंट ने चाणक्य बैच लॉन्च किया हुआ है, हमने इसके लिए चाणक्य बैच लॉन्च किया हुआ है, जो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पास आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास आपके लिए शानदार कंटेंट डेवलप किया जा रहा है। और ये हम अभी नहीं कह रहे, इससे पहले हमने कई सारे बैच इसके पढ़ाए हुए, बहुत सारे हमारे सिलेक्शंस हैं। ठीक है, डेडिकेटेड टीम है, कम से कम 8 टीचर्स हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग सेगमेंट के अंदर, वो आपने ऑलरेडी देख रखे हैं। कल से जैसे कुछ और नए सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, कल से आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की क्लास, और साथ में कंप्यूटर वाला जो पोर्शन, इसकी ये 3 नए सब्जेक्ट और स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो क्लास हमारी रनिंग है, कुछ और फैकल्टी आगे और ऐड होंगे, कुछ और एक्सपीरियंस ऐड होंगे। जैसे मान लीजिए आगे चल के एक वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे, ठीक है, जीके चौधरी सर, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि आईटीआई के अंदर, चूंकि आईटीआई के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल ही है, क्या उसका माहौल है, कैसे आपको ग्रुप इंस्ट्रक्टर के क्या रोल है, उसमें कुछ एक्ट वाला पोर्शन है, अप्रेंटिसशिप वाला पोर्शन है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो हम जो भी यहाँ पास फैकल्टीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वो इंडिया के टॉप फैकल्टी है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट है पर्टिकुलर उस चीज के अंदर। आपने देखा ईडी के अंदर हैदर सर, ठीक है, आपकी क्लासेस ले रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ ईडी इन इंडिया। ठीक है, आप जानते हैं जो भी फैकल्टी हम लेकर के आ रहे हैं, इंडिया के टॉप फैकल्टीज है। ठीक है, कंटेंट बहुत शानदार है। ठीक है, हाँ, अब कुछ बच्चों को ये जरूर दिक्कत हो रही है, अभी तो हमारी कुछ क्लास चल रही 5-7 दिन से, कि हिंदी का दिक्कत है सर, हमें हिंदी में कंटेंट चाहिए, है ना, हम आईटीआई के अंदर है, हमने हिंदी हमें चाहिए, तो हम वो चीज भी अपडेट करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब हमारी सारी क्लासेस बाइलिंगुअल हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। अब आपको कहीं पर भी 1% की दिक्कत नहीं होगी कि हमें हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, बाइलिंगुअल पूरा का पूरा बैचअप बाइलिंगुअल चल रहा है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के अंदर, चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश वाले हो, सबके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये भी क्लासेस आपको मिलने वाली। बाकी क्या क्या क्वालिटी यहाँ पास देख सकते हैं, लाइव क्लासेस मिल रही, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल रहे हैं, पूरे टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करेंगे ही। अभी लाइव क्लास चल रही, साथ में अगर आप मान लीजिए लाइव क्लास मिस करते हैं, बहुत सारे जॉब वाले एस्पिरेंट है, आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे, आप क्या कीजिए, आप उन वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म पे आपके ऐप पे अपडेट हो जाती हैं, आपको जब टाइम लग रहा है आप आइए उसको देखिए, अपने नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर वे के अंदर, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स बनवा करके, हम आपको एक टीम अलग से हमारी जो इसके लिए नोट्स बना रही है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग, हमें पता है आपके टाइम की कीमत, आप 2 घंटे 3 घंटे दिन में निकाल पा रहे हैं मुश्किल से, उसमें भी अगर नोट्स बनाने में समय देंगे तो आप पढ़ाई कब कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाने की एक अलग से टीम हमने लगा रखी है आपके लिए, वो नोट्स बनाएगी प्रॉपर वे के अंदर और वो आपको नोट्स मिलेंगे, आप नोट्स सामने रखिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसके बाद अपनी क्लास चालू कर लीजिए, उसे देख लीजिए, जो पॉइंट आपको लगता है उससे ऐड करना है ऐड कर लीजिए। एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पास बताया, ये आपको जरूर करना पड़ेगा ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाए, शॉर्ट नोट्स अपने ही समझ में आएंगे, इसलिए खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज जैसे आप सब्जेक्ट फिनिश होते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज फिनिश होने के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न है। 5,000 से ज्यादा एमसीक्यू विद सोल्यूशन क्लास के अंदर ही हम करवा के देंगे, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे लास्ट लास्ट तक कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद नोट्स एंड पीडीएफ तो हम दे ही रहे, तो कंप्लीट एक कॉम्बो है। अगर आप डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन का 100% एक पैकेज है, अगर आप यहाँ पास ज्वाइन करते हैं तो बढ़िया तरीके से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप कर गए 4-5-6 महीने की बात है, अगर अच्छे से तैयारी कर गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कहाँ पर जाना होगा इसके लिए, इंजीनियर हब एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर इंजीनियर हब एप्लीकेशन, या कोई फर्दर जानकारी तो ये नंबर हमारे दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट था हमारा कि ऑनलाइन संसाधनों का, ऑनलाइन संसाधन आपके समय की बचत कर देंगे, जैसे कि ये बैच है हमारा, इसमें आपको कंटेंट की टेंशन नहीं है, अब आपको अपना करना है कि इस कंटेंट का उपयोग कैसे करें, मैनेज कैसे करें, इसे पढ़ें कैसे, ठीक है, किस प्रकार से इसके लिए तैयारी करें, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज का। ठीक है, अगला चलते हैं, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल एक ही टॉपिक लूंगा जो मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए आपने कर लिया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, अब जो एस्पिरेंट अलग ब्रांच हैं वो भी पढ़ेंगे, इसलिए जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मान लीजिए इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करना है, इसके जो प्रैक्टिस सीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने बोला 5,000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सीट विद सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो जब आपको ये हो गया तो उसके आपको बहुत सारे एमसीक्यूज लगाने हैं। देखिए एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर सिलेक्शन का सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि रोल आपकी प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे और आप अपने सिलेक्शन के पास जाते जाएंगे। ठीक है, तो आपने जैसा कोई टॉपिक फिनिश किया उसके एमसीक्यू जरूर लगाइए, 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट में और अच्छी पकड़ बन सके, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना। पांचवा जो पॉइंट है कि आपने जब इसको प्रैक्टिस कर लिया, जब प्रैक्टिस हो गई आपकी, फिर आपको आपके सब्जेक्ट वाइज जो हम मॉक देने वाले हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं,
ये भी आपको लगानी है। इसका फायदा क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ पढ़ लिया ब्रिक वाला, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब आपको अपने आप को मूल्यांकन करना है, अपना मूल्यांकन करना है कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशियंट है, क्या मैं उसके बनने वाले क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसकी टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ठीक है। तो जब हम इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, वो टेस्ट सीरीज आप लगाइए, आप देखिए उसमें आपका कितने में स्कोर आ रहे हैं। लेट्स सपोज आप 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 20 में से आपके 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं, तो आप देखिए 8 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से जो आपने गलत किए हैं, ठीक है, क्या वो कोई डाउट है, तो डाउट है तो आपकी फैकल्टी आपके पास हाजिर है, ठीक है। आप उन फैकल्टी को कॉल कीजिए, उनको व्हाट्सअप कीजिए कि सर मेरे को ये डाउट है, आप इसको बताइए, या लाइव क्लास में जाकर बोलिए, फैकल्टी डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है, और कोई डाउट है तो वो पूछिए। यही तो सुविधा है इस बैच के अंदर, हैंड टू हैंड जो सपोर्ट है हमारा वो सबसे बड़ी है। आपको कभी भी कोई डाउट आया, टीचर आपके पास अवेलेबल, तुरंत आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप इसमें क्लियर कीजिए, फिर अपने इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो कुल मिलाकर के पांचवा जो पॉइंट है, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस एंड मूल्यांकन, अपना असेसमेंट जरूर करना है। जब आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, पढ़ लिया इसके बाद प्रैक्टिस कर ली, आप टेस्ट सीरीज लगाकर देख लिया कि जो मैंने पढ़ा वो काम का है भी कि नहीं है, उससे मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट ये है, आपको पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखते जाने। इसके बाद रिविजन एंड स्मॉल ब्रेक्स, जैसा आपने कुछ पढ़ लिया है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, बट ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम आपका मान लीजिए 2 महीने, या आप लेट सपोज कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, वही लेट सपोज मान लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग का आपने कोई टॉपिक, अब आपका ये टॉपिक पूरा हो चुका है, अब आप दूसरे सब्जेक्ट में मूव कर रहे हो, लेट सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ मूव कर रहे हो, ठीक है, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, तो सिविल का जो टॉपिक पढ़ा है ऐसा नहीं करना कि इसको पूरी तरह से छोड़ देना है, ठीक है, इसमें आप लग गए हो, इसको भी साथ साथ पे रिवाइज करते रहना है, ताकि जो आपने मेहनत करी है इसको पढ़ने में, इसका रिविजन करने में, इसका नोट्स शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, इसका आपने प्रैक्टिस शीट लगाई है, टेस्ट सीरीज लगा ली है, पटापट इसको 10-20 दिन के लिए फिर छोड़ दोगे, आप इसमें 100% फोकस हो जाओगे, तो ये आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा और ये दिमाग से निकलने लगेगा। तो क्या करना है, इसको शॉर्ट नोट्स है, इसको एक अल्टरनेट डेज के अंदर एक फिक्स शेड्यूल बनाइए कि यार हफ्ते में ना 2 दिन मैं रिविजन का रखने वाला हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है हफ्ते में 2 दिन मैं केवल रिविजन करने वाला हूँ, बाकी के जो 5 दिन है उसके अंदर मैं नया कंटेंट को पढ़ूंगा। आपके पास समय है, बिल्कुल परेशान मत होइए, 4 से 5 महीने पर्याप्त समय होता है, अगले 1 से 1.5 महीने बस भी जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर ये 4 से 5 महीने प्रॉपर वे के अंदर आप पढ़ गए, प्रॉपर वे के अंदर आप तैयारी कर गए, 100% है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस हरते कि आप अपने समय को मैनेज कर पाए, ये 2 से 3 घंटे कंटिन्यूटी आप दे पाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिविजन आपको जरूर करना है, रिविजन ये आपके लिए सक्सेस की है, ये कह लीजिए कि सफलता की चाबी है आपका रिविजन, बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कार्य में सफलता का जो सबसे पहला पॉइंट है कि आप उस कार्य में क्या सतत प्रयासरत हैं कि नहीं है, मतलब नियमित है कि नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन्ड है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि लेट सपोज आज मान लीजिए आपने शेड्यूल अपना बनाया सुबह से लेकर के, आप सुबह उठे हैं, जैसे मैंने बताया आपने डायरी में अपना लिखा भाई आज मुझे ये सब कुछ करना है, अब आपने प्लान किया कि मुझे दिन के 3 घंटे निकालने, मुझे आज 3 घंटे पढ़ने, आपने पहले 3 दिन 3 घंटे पढ़ाई की, इसके बाद 2 दिन फिर पढ़ाई नहीं की, 1 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे पढ़ा, फिर पढ़ाई नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 3 घंटे नहीं निकाल रहे हैं, एक काम कीजिए आप 2.5 घंटे पढ़िए, पढ़िए 2.5 घंटे रोज पढ़िए। रोज का मतलब ये है कि आप 30 दिन है महीने के, महीने में अगर एवरेज 30 दिन होते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 27 से 28 दिन कम से कम, हो सकता है 2 दिन 3 दिन आप परिवार वाले हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई नहीं पढ़ पाए, हो सकता है, पर उस सब चीज के लिए डिमोटिवेट नहीं होना, कोशिश करना है कि एटलीस्ट 27 से 28 दिन, 26 दिन कम से कम आपको 26 से 27 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, 2.5 घंटे रोज पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन अगर कर गए, 2.5 घंटे 3 घंटे भी आप कंसिस्टेंसी आगे 4 महीने तक मेंटेन कर गए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसके अंदर समझनी है कि आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, 2.5 घंटे ही दे रहे हैं पर डे, पर ये 2.5 घंटे रोज होने चाहिए अगले 4 महीने तक, 4 महीने कहूँ या तो टिल एग्जाम कह सकता हूँ, ठीक है, टिल एग्जाम तक। और जैसे एग्जाम आपकी डेट आ जाए, लेट सपोज आपके 15 दिन एग्जाम बचे हुए, उस टाइम पे जॉब से है तो लीव ले लीजिए, या कुछ ऐसा करके थोड़ा सा अपना वर्किंग टाइम बढ़ा दीजिए, या स्टडी टाइम बढ़ा दीजिए, स्टडी टाइम बढ़ाकर मतलब ये जो 2.5 घंटे इसको बढ़ाकर 5 से 6 घंटे कर दीजिए, ताकि आप सारे कंटेंट को रिवाइज कर पाएं, खूब सारी प्रैक्टिस कर पाएं और टेस्ट सीरीज दे पाएं। ये बस सफलता की चाबी है। करना क्या है, अभी 2.5-2.5 घंटे मेंटेन करते जाइए अगले 4 महीने तक, सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा, देन इसके बाद जो आप प्रैक्टिस शीट में आपको मिली, प्रैक्टिस शीट तो साथ साथ करते जा रहे हैं, लास्ट में जब आपके पास 1 से 2 महीने बचेंगे उसमें खूब सारे प्रैक्टिस शीट को 2 से 3 बार लगाइएगा, साथ में टेस्ट सीरीज लगाइएगा, हो जाएगा एग्जाम क्लियर। बाकी जो कंटेंट की क्वालिटी हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंटेंट इतना उमदा है, इतना शानदार है कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कंटेंट वहीं से आना है। बाकी हाँ, आपको और कोई डाउट आ रहा है कि सर मेरे को, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं, समझिए इस बैच के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। सबसे पहले तो जो बीटेक वाले एस्पिरेंट है, ठीक है, बीटेक वाले एस्पिरेंट मोस्टली चाहते हैं कंटेंट हमको इंग्लिश के अंदर मिले। एक जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है,
आईटी वाले बच्चे चाहते हैं हमको कंटेंट 100% हिंदी में मिले, एक जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ये चाहते हैं हमको मिक्स के अंदर मिले, हमको मिक्स समझ में आता है। अब तीन प्रकार का कंटेंट है। अब अगर फैकल्टी इंग्लिश में पढ़ाता जाए तो हिंदी वालों को परेशानी है, मिक्स में पढ़ा रहा तो बोले सर टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, इस वजह से बैच में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को हिंदी में दिक्कत, तो अब हमने सब कुछ अपडेट कर दिया है, अब आपको परेशान नहीं होना है। अब जो ये बैच है हमारा चाणक्य बैच, ये बाइलिंगुअल चल रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि हिंदी में भी टीचर एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आपको इंग्लिश में भी समझाएंगे। मतलब ना तो आप हिंदी में दिक्कत होगी ना इंग्लिश में होगी, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप प्रॉपर वे के अंदर अपना पढ़ाई यहाँ पास कर सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है कि 2.5 घंटे आपको मेंटेन करने के लिए 4 से 5 महीने, देन इसके बाद आपको जो हम प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सीट हमारी बनने लग चुकी है, इसके बाद टेस्ट सीरीज जो हम देंगे आपको बस यहीं पे पढ़ते रहना है। नोट्स पीडीएफ तो हम आपको डेली प्रोवाइड कर ही रहे हैं, अलग से टीम हमारी लगी हुई है, बाइलिंगुअल नोट्स पीडीएफ भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कंटेंट बहुत उम्दा देने का हमारा प्रयास है, यकीन मानिए। अगर आपने भरोसा किया 10 सिविल पॉइंट पे तो लास्ट तक बना के रखिएगा, कंटेंट पे कहीं पर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारा भरोसा है। और लास्ट तक बस जुड़े रहिएगा, सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप फोकस होकर के लगे रहेंगे। तो ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड भी है, और जिस प्रकार हम डेडिकेटेड काम कर रहे हैं इसी बैच पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और बस लगे रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। अभी क्या आप नए नए राजस्थान में, हमारा हो सकता है पहला बैच हो जिसमें हम डेडिकेटेड के साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए हो सकता है समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग हमारी स्ट्रेटजी को। हम डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं आपके स्टेट के अंदर, ताकि मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए, 2-4 दिन समझिए पहले कंटेंट को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ना एक आधी इंग्लिश देख करके देखो सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं, अब सारा अपडेट हो चुका है, अब सब कुछ बाइलिंगुअल मिल रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, और कुछ नई फैकल्टीज भी कल से जुड़ रही है। ठीक है, एकदम नई टीम है, 8 से 10 लोग की टीम आपके लिए लगी हुई है, डेडिकेटेड फैकल्टीज है ना। तो बस इंजॉय कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आठवां पॉइंट है आपका स्वास्थ्य और विश्राम का महत्व। देखिए, जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को आप करते हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपनी अभी तैयारी की ओर जा रहे हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका हेल्थ। ठीक है, वो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, समझ रहे हो आप, इसलिए आपने इस तरीके को सुना होगा, पहला सुख होता है क्या, निरोगी काया। आप कुछ भी काम तभी कर सकते हैं जब आपके हेल्थ अच्छा हो। अगर मान लीजिए आप महीने में 3 से 4 दिन भी बीमार हो गए, तो 3 से 4 दिन तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसके चक्कर में 2-4 दिन आगे पीछे भी डिस्टर्ब होगी, है ना, काम से भी काम भी डिस्टर्ब होगा। तो ये जो आपको इन सब चीजों के साथ साथ, ठीक है, अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, कोशिश कीजिए कि बाहर की चीजों को अवॉइड कीजिए खाने से। ठीक है, साथ में अवॉइड कीजिए कुछ और ऐसी चीजें जिससे आपकी तबीयत खराब होती हो। ठीक है, तो अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, समय समय पर रेस्ट करते रहिए, पढ़ाई जैसे कर रहे हैं, अगर 2.5 घंटे के आपने पढ़ने का सोचा है 45 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट रेस्ट, फिर 45 मिनट, ऐसा करके आप सेट अपने स्लॉट्स बना सकते हैं, एक साथ ना पढ़ाई करें, ताकि जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट होता रहे, ऐसे प्रॉपर अपनी एक रणनीति बना लीजिए। ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो इस बार अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस एग्जाम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बाकी आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए जो कंटेंट है, कंटेंट की जवाबदारी हमारी है, 10 सिविल पॉइंट टीम की है, वो बिल्कुल आप उसके लिए परेशान मत रहिए। ठीक है, हमने चाणक्य बैच लॉन्च कर दिया है, ऑलरेडी बच्चे, काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, मैक्सिमम बच्चे अब यहीं से तैयारी कर रहे हैं, उनको कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप सब यहीं पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी आइए, एक साथ मिलकर के आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। एक बहुत बड़ी टीम, बहुत डेडिकेटेड टीम हम लेकर के आए हैं, 8 से 9 फैकल्टीज है जिसमें अंदर, और सब एक से बढ़कर के एक क्वालिफाइड है जो आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे कॉलिंग नंबर से, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, और फर्दर कोई जानकारी चाहिए कि हमारे, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, डाउन इंजीनियरिंग हब, ठीक है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर जाकर के आपको हमारे चाणक्य बैच मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्स फीचर वगैरह मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है। आज कुछ स्पेशल ऑफर भी है, आज हमारे इंजीनियर हब इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे है। ठीक है, इस फाउंडेशन डे पर आपको हमारी तरफ से कुछ उपहार भी है, उपहार आपको मिलेगा इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर जाकर के कुछ स्पेशल डिस्काउंट है कोर्स के अंदर, जो आज के लिए है, आज रात 12 बजे तक के लिए है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अभी आप लाभ उठा सकते हैं। एक लास्ट में थोड़ा सा और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कि जैसे आपके पास अभी मान लीजिए आज हो चुके हैं, ठीक है, 8 नवंबर, ठीक है, आपका जो पेपर है वो 23 जून को है। ठीक है, आपका जो पेपर है वो कब है, 23 जून को है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नवंबर पूरा पूरा आपके पास बचा लगभग 20 दिन का मान लेता हूँ। ठीक है, दिसंबर 30 दिन बचा है, जनवरी 30 दिन, 30 दिन अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ मैं, फरवरी लगभग 30 दिन मान लीजिए, 28 की अभी मैं बोलेगी, इधर एक दो जो खटा बढ़ा के अप्रॉक्स हो जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्स आइडिया ले रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद मार्च है, फिर अप्रैल है, मई है, इसके बाद फिर वही जून में तो आपका पेपर है 20 दिन। ठीक है, ये आपके पास टोटल दिन बचे हैं, मतलब 50, 30, 80, 110, 140, 170, 200, 220।
220 दिन बचे हुए हैं आपके पास। इस 220 दिन में से हम मान के चलते हैं कि लास्ट के जो 30 से 40 दिन होते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए होना चाहिए। मतलब जो आपके पास पढ़ने के लिए समय बचा हुआ है ये 180 दिन का है। बट आप इतना ही मत मानिए, आप ये मानिए कि आपके पास लगभग 150 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि आपका एग्जाम थोड़ा और पहले हो जाए। ठीक है, वैसे आरपीएससी के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आरपीएससी के अंदर आपने देख रखा है अभी जो एग्जाम था आपका नवंबर के अंदर था, अभी जो पोस्टपोन होकर के पहले हो गया है, तो हो सकता है कि अप्रैल में भी हो जाए, जून से अप्रैल हो जाए। तो ये सोच चलिए कि आपके पास लगभग 120 दिन या 150 दिन का समय है, ये 4 महीने ही आपके पास है, 4 साढ़े 4 महीने जिसमें आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अभी 4 महीने के अंदर कैसे तैयारी करनी है आप थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि 4 महीने जो आपके पास है उसके अंदर आपको कितने घंटे का शेड्यूल लगभग होना चाहिए, जो एक जॉब वाला एस्पिरेंट है उसको कितने घंटे अपने शेड्यूल में बनाने चाहिए ताकि वो प्रॉपर वे के अंदर सिलेबस को फिनिश कर पाए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जो अगर आप मान लेता हूँ कि जॉब है तो आपका लगभग 8 आवर्स वर्किंग होगा, इतना ही वर्किंग होगा लगभग। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है आने जाने में थोड़ा और वक्त लग जाए, एक जस्ट सेकंड, लगभग 8 आवर्स आपका वर्किंग है, सबको जोड़ करके मान लेता हूँ 10 आवर्स है, क्योंकि आने जाने में भी 2 घंटे का टाइम लग जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट को। 10 घंटे आपका वर्किंग पीरियड है पर डे का। अब इसमें आपके हफ्ते में 2 दिन वीकेंड भी होगा, 1-2 दिन तो होगा ही होगा, तो उसमें आप अलग से अपनी कुछ और रणनीति लगा सकते हैं, थोड़ा फैमिली को समय दे सकते हैं। 10 आवर आपका वर्किंग है, 10 आवर्स वर्किंग है आपके। ठीक है, 10 घंटे काम करने के बाद 8 घंटे सोने की नींद छोड़ दीजिए, 18 घंटे होगी, 2-4 घंटे और, मतलब ये मानता हूँ कि दिन में अगर आप कम से कम 3 घंटे भी निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, 3 आवर्स पर डे। अब हो सकता है कुछ लोग इतना भी नहीं निकाल पाए, तो इससे भी आप कम करके 2 घंटे भी निकाल सकते, 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप, मैं इतना भी मान लेता हूँ 3 घंटे या 2.5 घंटे भी आप निकाल पा रहे हैं, 2.5 घंटे भी पर डे निकाल पा रहे हैं तो भी सफिशियंट है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर टोटल जो दिन आपके पास लगभग 150 दिन है, और अगर आप 2.5 घंटे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग मान लीजिए 325 घंटे करीबन होता है। ठीक है, 375 घंटे, 450 घंटे, 375 घंटे हैं आपके पास। ठीक है, लगभग, और इतना पर्याप्त है आपकी पढ़ाई के लिए, प्रॉपर रिविजन के लिए और प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इतना भी, पर ये चाहिए कैसे, ये डेली चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। डेली आपको इतना तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपको डेली 2.5 से घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके लिए क्या चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने को टाइम मैनेज बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वे के अंदर अपनी हेल्थ को मैनेज करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मिलाकर के अगर 2 से 2.5 घंटे आप प्रॉपर पढ़ गए, कोई नहीं रोक सकता आपको ये जॉब लेने से। और एक बात मैं और बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है अभी कुछ आईटीआई के अंदर वर्किंग है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग होगी, कुछ हो सकता है कि अभी रेलवे वगैरह में वर्किंग होगी, जैसे हमारी बात होती रहती है, जरूर बताऊंगा। देखिए, इस जॉब के अंदर खासियत पता है किस चीज़ की, एक तो हेक्टिक कम हो जाएगा थोड़ा सा आपका जो वर्किंग पीरियड है, हेक्टिक कम हो जाएगा, ठीक ठाक जॉब है, आईटीआई के अंदर आपको मिलेगी, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, फर्स्ट प्रमोशन आपका लगेगा, सीधा ग्रेजुएटेड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएटेड पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, तो मतलब ये कि जॉब बहुत बढ़िया है। ठीक है, और पोस्ट आपकी ठीक ठाक है, कंपटीशन कम है, देखते हुए अगर आपने फॉर्म भरा है तो प्लान कीजिए तैयारी करने का, बिल्कुल मिस मत कीजिए ये मौका जो आपके साथ है, जो आपके हाथ में भी मौका है। बहुत सारे स्टूडेंट अब एमपी के अंदर, चूंकि वैकेंसी आई थी ठीक ठाक वैकेंसी, यहाँ पर भी आई थी, अभी उनका इंटरव्यू पेंडिंग है, तो वो अब मिस कर रहे हैं, सर क्या दोबारा नहीं आएगी। और ये वैकेंसी ऐसे हर साल नहीं आती, 2019 के बाद 2024 में खुद राजस्थान में आई है, एमपी में तो खैर 15-20 साल बाद आई थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी हर साल ऐसे रिपीट नहीं होती जैसे अपने जेई और एई एग्जाम रिपीट होते हैं। जब ऐसी वैकेंसीज आती हैं और टोटल जबकि एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट हैं, तो एक बहुत अच्छा अवसर है आपके पास इस जॉब को ग्रैब करने का। ठीक है, और आपको अब चूंकि जॉब आपको लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, और कंटेंट के लिए हम बैठे हुए हैं, कंटेंट हमसे बेहतर और आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं, हाँ ऐसा है कि फीस कम के चक्कर बोलते हैं, सर उनकी फीस कम है, इसकी फीस कम है, आप थोड़ा सा ज़्यादा फीस ले रहे हैं। देखिए माय डियर, हम एक बहुत बड़ी टीम पे काम करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सेटअप के साथ काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर, ये मान लीजिए कि 8 से 10 लोगों की टीम है जो डेडिकेटेड इस बैच के लिए काम करते हैं, और जब तक आपका ये कोर्स 100% फिनिश नहीं होता तब तक लगी रहेगी, टिल एग्जाम एक दिन पहले तक लगी रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अगर आज आप एफोर्ड कर लेंगे, थोड़ा सा वैसे फीस हमने अफोर्डेबल कर दी, कुछ ऑफर वगैरह आते रहते, आज ऑफर भी चल रहा, आप जाके ऐप के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा एफोर्ड कर पाएंगे अभी, लेकिन मानिए आपको कंटेंट इतना शानदार मिलेगा, पढ़ के देखिए 2-4-10 दिन, कंटेंट इतना शानदार मिलेगा कि आप सोचेंगे यार सही ले लिया है ना, क्योंकि होते ना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मौका आपके हाथ से बार बार नहीं आएगा, ये मौका जो आपको मिला ही बार बार लौट करके नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे सस्ते के चक्कर में कंटेंट कहीं पर ले लेंगे, कंटेंट अच्छा नहीं मिला, ठीक है, आपको अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिला, आपका समय भी वेस्ट हुआ, मौका भी हाथ से निकल गया। हम चाहते हैं हम कंटेंट अच्छा दें, ताकि देखिए आज आपके समय 10 से 12-15 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार की जॉब है। अगर आज जॉब लग जाते हैं आप तो बोलेंगे सर चलो अच्छा है, कंटेंट अच्छा था, अपन सिलेक्शन ले लिए। ठीक है, पर वही फीस कम के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी,
वहां से नहीं आए, क्वेश्चन नहीं फंसे, तो आप बाद में हमें कोचेंगे से अच्छा थोड़ा फीस ही ले लिया होता, कंटेंट तो अच्छा देते, ठीक है। और ये हमारे हमारे जो पास बच्चे आए ना शुरुआत, उन्हें बोला सर आप फीस चाहे थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, बट एक कंटेंट अच्छा, समय अच्छा, मतलब क्वालिटी अच्छी दीजिए, तो वो सब ज्यादा जरूरी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हो सकता है। और एक निवेदन मैं आप सबसे बहुत प्रेम से कहना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग जब भी ज्वाइन करते हैं बैच 10 दिन 15 दिन जितने दिन आप चाहें, हमारे बहुत सारे लेक्चर, हम लगभग लगभग आप ये कह लीजिए 5 से 7 लेक्चर हर सब्जेक्ट के डालते हैं यूट्यूब के अंदर। आप डेमो देखिए, प्रॉपर डेमो देखिए, जब आप 100% संतुष्ट हो जाए तब आप ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद प्लीज ऐसा मत बोलिए कि हमको 2 दिन के अंदर रिफंड चाहिए, हम रिफंड किसी भी केस में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको स्पेस बता रहा हूँ, हम रिफंड किसी भी केस में नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज आप लोग ज्वाइन करने से पहले बहुत बार देखिए। और हम वही कंटेंट आपको दिखाते हैं जो आपको देते हैं, हम ऐसा भी नहीं करते कि डेमो के लिए अलग लेक्चर बनेंगे और ऐप के अंदर दूसरे चलेंगे। जो ऐप में डेमो चल रहे हैं ना, वही स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर ही हम वही डालते हैं, उसके बाद ही 6 लेक्चर से ही कंटिन्यू होता है ऐप के अंदर, हम कुछ ऐसा अलग भी नहीं करते, जो दिखाते हैं वही देते हैं। तो प्लीज आप लोग देख के और अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा, दिमाग में इस चीज में जरूर बैठाइए कि एक बार ज्वाइन करने के बाद यहाँ रिफंड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो प्लीज आप लोग 100 बार देख करके ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कॉलिंग नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।